सो हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल रिचार्ज प्राइस के बारे में। अगर आप एक बीएसएनएल यूजर हैं या फिर दोस्तों आप लोग एयरटेल वोडाफोन आइडिया सिम को यूज करते हैं और दोस्तों ऐसे में आप लोग अपने सिम को पोर्ट करवाना चाहते हैं बीएसएनएल में, क्योंकि आपको बीएसएनएल में काफी कम पैसों में अच्छी वैल्टी काफी ज्यादा सर्विस बीएसएनएल प्रोवाइड करा देती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, बीएसएनएल की तरफ से अब एक नई अपडेट आ चुकी है जिसमें कि बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को काफी ज्यादा हाई कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल ने 26 फरवरी 2022 से अपने रिचार्ज प्लान को हाई कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीएसएनएल के जो भी नए रिचार्ज प्लान आए हैं उन सभी की जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएनएल का जो भी सबसे छोटा मिनिमम वैल्टी रिचार्ज आता है वो कितने का आता है और उसमें बीएसएनएल ने अपनी तरफ से कितने पैसे हाई किए हैं। तो दोस्तों यहां पर बीएसएनएल की तरफ से जो भी मिनिमम वैल्टी रिचार्ज आता है 49 रुपीज यानी 49 रुपए का आता है, जिसमें कि आपको 26 फरवरी 2022 से पहले की बात की जाए तो इस रिचार्ज में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते थे। दोस्तों अगर आप अपने बीएसएनएल की सिम में 26 फरवरी 2022 से पहले 49 रुपए के रिचार्ज को करवाते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को इस रिचार्ज प्लान में 100 मिनट मिलते थे, साथ ही 2GB का डेटा आपको एक बार में मिलता था और इस रिचार्ज में आपको 24 दिन की वैल्टी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों 26 फरवरी के बाद बीएसएनएल ने जब अपने प्राइस को हाई किया तो इसके बाद इस रिचार्ज में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस समय बीएसएनएल के 49 रुपीज के रिचार्ज को करवाते हैं तो इस समय आपको 49 यानी 49 रुपए के रिचार्ज में 100 मिनट मिलने वाले हैं, साथ ही आपको 2GB का डाटा एक बार में मिलेगा और यहां पर इस रिचार्ज प्लान की जो वैल्टी है वो आपको 20 डेज यानी 20 दिनों की मिलने वाली है। दोस्तों बीएसएनएल ने यहां पर इस रिचार्ज प्लान में 4 दिन की वैल्टी को कम कर दिया है। दोस्तों इसके बाद जो बीएसएनएल का नेक्स्ट मिनिमम वैल्टी रिचार्ज आता है वो आता है 75 रुपीज का। दोस्तों 26 फरवरी 2022 से पहले अगर आप अपनी बीएसएनएल की सिम में वैल्टी रिचार्ज 75 रुपीज के रिचार्ज को करते थे तो ऐसे में आपको इस रिचार्ज में क्या क्या बेनिफिट मिलते थे। इस रिचार्ज में आपको 100 मिनट मिलते थे, साथ ही आपको 2GB का डेटा एक बार में मिलता था और इस रिचार्ज प्लान की जो वैल्टी है वो आपको पूरे 50 दिन यानी 50 डेज मिलती थी। लेकिन दोस्तों 26 फरवरी 2022 के बाद जब बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को हाई किया तो इसके बाद अगर आप अपने बीएसएनएल के सिम में 75 रुपीज यानी 75 रुपए के रिचार्ज प्लान को करवाते हो तो इसमें आपके मिनट जो है 100 से 200 कर दिए गए हैं, साथ ही आपको इसमें 2GB का डेटा एक बार में मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर वैल्टी देखी जाए तो पहले वाले रिचार्ज में आपको 50 दिन की वैल्टी मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब बीएसएनएल ने जब प्राइस को हाइक कर दिया है तो इस रिचार्ज में आपको 30 दिन ही वैल्टी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपकी 20 दिन की जो वैल्टी है बीएसएनएल ने काफी कम कर दी है। इसके बाद दोस्तों बीएसएनएल का जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्टी रिचार्ज आता है वो 94 रुपीज का आता है, 94 रुपए का आता है। दोस्तों अगर आप अपनी सिम में आपने कराया होगा 26 फरवरी 2022 से पहले 94 रुपीज के रिचार्ज को तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलते थे। तो दोस्तों 94 के रिचार्ज में आपको बेनिफिट मिलता था, सबसे पहले तो इस रिचार्ज में आपको 100 मिनट मिलते थे, साथ ही आपको इसमें इस रिचार्ज प्लान में 3GB का डेटा एक बार में मिलता था और इस रिचार्ज प्लान की जो वैल्टी है यहां पर आपको 75 डेज यानी 75 दिनों के लिए इस रिचार्ज प्लान की वैल्टी आपको देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों 26 फरवरी 2022 के बाद इस रिचार्ज प्लान में हाई होने के बाद आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को इस रिचार्ज प्लान में 100 मिनट की जगह 200 मिनट मिलेंगे, साथ ही आपको 3GB का डेटा एक बार में मिलेगा और इस रिचार्ज प्लान की जो वैल्टी है 45 डेज यानी 45 दिनों के लिए कर दी गई है। और दोस्तों इससे पहले प्राइस हाई होने से पहले इस रिचार्ज प्लान में आपको 75 दिनों की वैल्टी मिलती थी, जो कि दोस्तों आप लोगों की 30 दिनों की वैल्टी को इस रिचार्ज प्लान में बीएसएनएल ने काफी कम कर दिया है। इसके बाद दोस्तों बीएसएनएल का जो नेक्स्ट मिनिमम रिचार्ज आता है वैल्टी के लिए और जो कि दोस्तों बीएसएनएल ने हाल ही में लॉन्च किया था वो दोस्तों 106 रुपए का है। दोस्तों अगर आप अपनी बीएसएनएल के सिम में 26 फरवरी 2022 से पहले 106 रुपए के रिचार्ज को करवाते थे तो दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में आपको 100 मिनट मिलते थे, 3GB का डेटा एक बार में मिलता था और इस रिचार्ज प्लान की जो वैल्टी है वो आपको पूरे 84 दिनों के लिए देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों 26 फरवरी 2022 के बाद प्राइस को हाई होने के बाद बीएसएनएल के सिम में अगर आप 106 रुपए के रिचार्ज प्लान को करवाते हो तो इस रिचार्ज प्लान में आपको 200 मिनट मिलेंगे, साथ ही आपको 3GB का डेटा एक बार में मिलेगा और इस रिचार्ज प्लान की वैल्टी की बात की जाए तो इस रिचार्ज प्लान में आपको 50 दिनों की इनकमिंग आउटगोइंग की सेवा देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहां पर आपको बीएसएनएल की तरफ से 34 दिन जो है कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए बीएसएनएल के मिनिमम और वैल्टी रिचार्ज, जो कि आप लोग किसी भी कीपैड फोन या फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर थे और आपको अपने सिम में
पर डे डेटा चाहिए होता था, साथ ही आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी चाहिए होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में BSNL के सिम में 197 रुपए के रिचार्ज को करवाया होगा 26 फरवरी 2022 से पहले, तो दोस्तों ऐसे में आपको इस रिचार्ज प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलते थे। इस रिचार्ज प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है, साथ ही आपको 2GB का डेटा पर डे मिलता था और साथ ही आपको 100 SMS भी पर डे मिलते थे। इसके बाद आपको इस रिचार्ज प्लान में जो भी बेनिफिट मिलते हैं, इस रिचार्ज प्लान में जो भी आपको डेटा मिलता है, जो भी अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है, इनकी जो वैलिडिटी है वो आपको 18 दिन देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर इस रिचार्ज प्लान में इनकमिंग और आउटगोइंग की जो सेवा है आपकी सिम के लिए वो 150 दिन यानी 150 डेज की मिलती थी। लेकिन दोस्तों 26 फरवरी 2022 के बाद अगर आप अपनी BSNL के सिम में 197 रुपए के रिचार्ज को करवाते हो, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को BSNL की तरफ से 197 रुपए के रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, साथ ही आपको 2GB का डेटा पर डे मिलेगा, 100 SMS भी पर डे मिलेगी। यहां पर आपको इन सभी चीजों की जो बेनिफिट की जो वैलिडिटी है वो 18 दिनों मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी की बात की जाए, इनकमिंग आउटगोइंग सेवा की बात की जाए, तो यहां पर 100 दिन ही कर दी है। तो दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में 50 दिन जो है वैलिडिटी आपकी कम कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों BSNL का जो नेक्स्ट अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस डेटा का रिचार्ज आता था वो आता था 397 रुपए का। अगर आपने अपने सिम में BSNL के सिम में 397 रुपए के रिचार्ज को 26 फरवरी 2022 से पहले करवाया होगा, तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो है इस रिचार्ज प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इस रिचार्ज प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है, साथ ही आपको 2GB का डेटा पर डे मिलता है और इसमें आपको 100 SMS भी पर डे दिए जाते हैं और इन सभी चीजों की जो आपको वैलिडिटी मिलती है पूरे 60 दिनों के लिए यानी 2 महीने के लिए मिलती है। लेकिन आपके सिम में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा की बात की जाए, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को यहां पर 300 दिन की पूरी वैलिडिटी दी जाती है। लेकिन दोस्तों 26 फरवरी 2022 रिचार्ज प्लान को हाई होने के बाद अब आप लोग अपनी BSNL के सिम में अगर 397 रुपए के रिचार्ज प्लान को करवाते हो, तो ऐसे में आपको BSNL की तरफ से 397 रुपए के रिचार्ज प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, साथ ही आपको 2GB का डेटा पर डे मिलेगा और इस रिचार्ज प्लान में भी आपको 100 SMS भी पर डे मिलेंगे। और इस रिचार्ज प्लान में जो भी आपको 2GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ ही जो भी SMS की सर्विस मिलेगी, ये आपको पूरे 60 दिनों के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में अगर इनकमिंग और आउटगोइंग की सेवा की बात की जाए, वैलिडिटी की बात की जाए, तो यहां पर आपको 200 ही दिन देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में BSNL ने 100 दिन कम कर दिए हैं आपकी वैलिडिटी के। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा BSNL एक सरकारी कंपनी है, फिर भी दोस्तों BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान को कितना ज्यादा हाई कर दिया है। और दोस्तों BSNL का अभी 4G नेटवर्क नहीं आया, लेकिन दोस्तों BSNL की तरफ से 4G नेटवर्क को लाने का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है और 2022 के लास्ट में BSNL की तरफ से 4G नेटवर्क आ जाएगा। तो दोस्तों BSNL के ये रिचार्ज प्लान आपको हाई होने के बाद कैसे लगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।